तो जोरे और अमीर कैसे मिले और कितने दिन हो गए शादी को माशाल्लाह? आई थिंक अभी एक साल हो गया हमें मिलते हुए, हमारा दोस्त था म्यूचुअल, तो अच्छा उसके थ्रू मिले थे हम लोग। फेसबुक पे बात करता था। आप यूएस से इटली आए थे? नहीं नहीं, ये इटली गई भी नहीं, मैं यूएस गया था वापस, तो मैं फेसबुक पे बात करता था। अच्छा, 6 साल मैंने फेसबुक पे बात की ऐसे। जब मुझे पता चला कि जब ये आई है वापस पाकिस्तान, तो मैंने भी फ्लाइट उड़ा के आ गया। यानी फ्लाइट टिकट कटाया, टिकट कटाओ। ये सारा जो है ना, ये फेसबुक का कसूर है। ये 5-6 साल बाद या तो फेसबुक को आप दुआएं दे रहे होंगे या आप उसको बस। अभी रमा भाई 1 साल हुआ है, जब जाए फ्लैशबैक में 1 साल में तो हर चीज बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, ये जो कंपैटिबिलिटी आप कह रही हैं, कुछ साल तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बनती चली जाती है, लेकिन जो आपने साल इस तरह मेंशन कर दिया उसके बाद रिवर्स हो जाती है। उसके बाद खराब होनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल कोई चीज मैच ही नहीं करती उसमें। देखिए अभी हमारा तजुर्बा तो 1 साल का है ना, तो हमें लेकिन ये अच्छी बात है कि जो शादी आप जिससे भी कर रहे हैं उससे दोस्ती बहुत जरूरी है। हाँ, ये देखिए, ये लोग भी कह रहे हैं, ये टिप ये लोग भी दे रहे हैं और तुम लोग भी कह रहे हो कि जिससे आप शादी कर रहे हैं उसे दोस्ती होना जरा जरूरी है। हम दोनों इतने क्लोज फ्रेंड्स थे कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरह कभी। अच्छा, कभी भी नहीं। हमने तो सारी अंदर की बातें शेयर कर ली आपस में। अच्छा, क्या से आप इटली में थी? क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में, पहले मैं पाकिस्तान से इटली पढ़ने गई थी, तो ये यूएस से आए हुए थे यहाँ पर फॉर विजिट, बिकॉज यहाँ पे इनकी पूरी फैमिली यूएस में ही है, बट यहाँ पे कुछ एक दो रिश्तेदार हैं तो उनसे मिलने के लिए यहाँ आए हुए थे। तो इत्तेफाक था कि मुझे देख लिया और फिर हमारी दोस्ती हो गई, और उस वक्त मुझे इटली जाना था, इनको वापस यूएस जाना था। तो वो 5 साल फिर हमारी मैसेज पे बातें, दोस्ती और बहुत क्लोज फ्रेंड्स, अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। बिल्कुल। एंड फिर आपको पता चला कि दोबारा आई है पाकिस्तान वापस? और मुझे जब पता चला ये वापस टिकट कटा के इधर आ रहा है मेरे लिए, तो मुझे तो बिल्कुल फिल्मी स्टोरी लग रही थी। मैंने कहा, मेरे दोस्त मुझे बताया, मैंने कहा मजाक कर रहे हैं, एंड ये एक्चुअली मैं आ गया। तो क्या छुट्टी छुट्टी आराम से मिल गई थी? क्योंकि जब आप वेस्ट में नौकरी कर रहे हो तो छुट्टी का भी बड़ा इशू। हाँ, बहुत इशू होता है, तो अब तो मैं नौकरी छोड़ दी। मैं आया था यहाँ पे सिर्फ 3-4 महीने के लिए, फिर उसके बाद मैंने इसकी मामा से बात की, तो फिर शादी का सीन ऑन हो गया, तो फिर शादी की, फिर अभी तक मैं दिल्ली हूँ। फिर यही फिर मैंने काम भी शुरू किया था अपना, मैंने यहीं से रेजिग्नेशन भेज दिया, मैं नहीं आ रहा। नहीं, अब तो मैं यहीं पे सेटल होने की कोशिश। आपको मजा आया पाकिस्तान में? बहुत अच्छा है। अच्छा, ये अभी शादी का सीन नहीं ऑन हुआ, ये अभी कुछ साल बाद ऑन होगा। एक्सपीरियंस बोल रहे, ये ऐसा ऑन होगा ना कि सब कुछ ऑफ हो जाएगा अल्लाह दिमागी तौर पे। अच्छा, आपको क्या, कितने अरसे से आप यूएस में से? मैं तो बचपन से वहीं पैदा वहीं पे हुए। अच्छा, के बाद आपको आके पाकिस्तान अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत बुरा लगता था पाकिस्तान। हाँ। लेकिन फिर आस्ता आस्ता जब बड़ा होता गया तो अपने टाइप के लोग मिलते हैं, जा जाता हूँ पाकिस्तानी पाकिस्तानी, तो वो उर्दू बोलना सब कुछ, मेरी अम्मा की जबान उर्दू है, तो इट्स वेरी नाइस, इट इज होम ना, घर की तरह लगता है, तो अच्छा लगता है मुझे बहुत ज्यादा। हमने सुना है कि जो वहाँ पैदा हो जाए वो यहाँ नहीं रह सकता, नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है बहुत ज्यादा, लेकिन ये क्रेडिट आपको जाता है कि आपने इनको यहाँ रोक लिया। ये माशाल्लाह इनकी मोहब्बत है। Assalamu alaikum everyone, this is Yash Magil here. Please subscribe to the YouTube channel of Air by Digital to stay updated.